जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। देख लीजिए, जैसे कि अब जो हमारे पास SSC GD 2023 के जो पेपर हैं हमारे, वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुके थे और आज तक वो पेपर चल रहे हैं। यहां से बीच बीच में जो है पेपर का लेवल मतलब जो है चेंज कर रहे हैं कुछ, मतलब जो सवाल पहले स्लो थे, सिंपल थे, वो हार्ड की तरफ ले जा रहे हैं। और मतलब ये है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग श्योर अटेम्प्ट कर पाएँ, कितने पर मेरिट जा सकती है इस बार, तो एक अनुमानित मेरिट लेकर के, या आपको जिनके पेपर अभी बाकी बचे हैं जिन बच्चों को, उनको ये बताने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि उनको कितने बिल्कुल सही अटेम्प्ट रहेगा उनका, कितने पर वो फाइनल सेलेक्शन पा जाएंगे। तो उसके लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। देख लीजिए मेरे भाई, क्या है एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, जो 2021 की वैकेंसी थी हमारी, ठीक है, 2021 की, उसमें टोटल पद कितने थे आप कहोगे, 25,271 पद उसमें टोटल थे। कितने? 25,271 पद थे उसमें 2021 वाली में। और मेरे भाई जो कुल फॉर्म लिए गए थे वो 71 लाख से प्लस लिए गए थे। किस से बच्चे? 71 लाख फॉर्म से प्लस यहाँ पे क्या लिए गए थे, फॉर्म लिए गए थे। मतलब कि ये है कि मान लीजिए प्लस वालों को भी छोड़ दिया जाए तो लगभग 71 लाख बच्चे जो हैं परीक्षा में बैठे थे, लगभग 71 लाख, ठीक है। और अब की बात करें 2023 की तो कुल पद कितने हैं मेरे भाई, 45,284। मतलब क्या है, देखो कहाँ 25 और कहाँ 45, ठीक है, लगभग ऐसा मान लीजिए दोगुने से थोड़े कम है, दोगुने से थोड़े कम। अगर 50 होते तो दोगुने हो जाते, तो थोड़े कम है, दोगुने पद मान लीजिए, ठीक है, लगभग दोगुने पद। और भाई कुल फॉर्म कितने लिए गए, 54 लाख प्लस, लगभग 54 लाख। मेरे भाई फॉर्म क्या हुए हैं, दोगुने, और सॉरी पद क्या हुए हैं, दोगुने, और फॉर्म कितने हो गए मेरे भाई, देखो कम हो गए, कम हो गए फॉर्म, पहले की बराबर नहीं है। भर्ती तो बढ़ गई, पद बढ़ गए, फॉर्म कम हो गए। और इनमें भी बहुत बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मेरे पास एक बच्ची की कॉल आई थी कि उसकी फोटो की जगह किसी और का फोटो लगा दिया, किसी के सिग्नेचर की जगह धोखे में किसी और के सिग्नेचर लग गए। तो इस प्रकार के बच्चे भी, और कुछ बच्चे अटैम्प्ट करने ही नहीं जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की तैयारी ही नहीं है। क्योंकि यहाँ से जो अब की बार किया गया था, जब 2021 की अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद इसमें सिलेक्टेड हूँ CISF में, ठीक है। तो 2021 में जो थे हमारे पास 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन, और हम लोगों को जो टाइम मिला था मेरे भाई वो मिला था कितने, 90 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन कर दिए, 100 की जगह 80 क्वेश्चन कर दिए हैं। और जो टाइम है, अगर टाइम की बात की जाए मेरे भाई, तो टाइम कर दिया गया है यहाँ 60 मिनट, जो क्या है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा लगातार लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहा तो वो तो इन 60 मिनट में इन 80 क्वेश्चनों को देख लेगा, वरना मेरे भाई 80 क्वेश्चन कोई भी बच्चा मुश्किल ही देख पाएगा 60 मिनट में, ठीक है। क्या है बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम है ये कि बच्चा जो है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, कोई भी बच्चा 80 क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, यहाँ से ये बहुत सारे प्लस पॉइंट होने वाले हैं 2023 वालों के लिए। इस बात का ध्यान रखना अगर आपने ईमानदारी से अपना पेपर दिया है तो, या देने जाओगे तो, ठीक है बच्चे। देख लीजिए मैं आपको 2021 की मेरिट से रूबरू करा देता हूँ। ये मेरिट जो है मेरे भाई, ये OBC की है बच्चे। ये किसकी है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरिट मैं लिया हूँ OBC जनरल एरिए की, ठीक है, क्योंकि अलग लगता है भाई, जनरल एरिए की मेरिट ज़्यादा लगती है किसी भी राज्य के, किसी भी राज्य के जनरल एरिए की मेरिट ज़्यादा लगती है। ये मैं OBC की लिया हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास दो राज्य होते हैं, राजस्थान और कौन, यूपी। मेरे भाई कौन कौन? राजस्थान और यूपी। बच्चे यूपी की अगर ये मेरिट जो लिया हूँ मैं, OBC की तो लिया हूँ, साथ साथ किसकी लिया हूँ बच्चे, BSF की। किसकी लिया हूँ? BSF की, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आप लोग देखोगे मेरे भाई, देखो ये BSF की मेरिट है टोटल राज्यों की। अगर बात राजस्थान की जाए तो इनकी लगी है 77.86 पे, और बात अगर यूपी की जाए तो ये लगी थी 75.34 लगभग ऐसे करके, ठीक है, 75.3 पे, ठीक है बच्चे। तो ये हम कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चनों का 75% लगभग, 100 क्वेश्चनों का 75%, जिस बच्चे ने भी 75% सवाल पास किए थे वो सिलेक्शन पा गया, क्योंकि एक आध नंबर जो है मेरे भाई वो नॉर्मलाइजेशन में मिल जाता है, ठीक है, 75। बात अगर यहाँ से CISF की जाए तो जो यूपी के CISF की लगी है मेरे भाई, तो वो लगी थी हमारी, लगी थी कितना, 78.7 पर, ठीक है। ये किसकी है? यूपी के CISF की है,
ठीक है बच्चे, यूपी के सीआईएसएफ की। अगर मैं जम्मू कश्मीर के सीआईएसएफ की बात करूं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जे एंड के सीआईएसएफ की, अगर बात की जाए ठीक है, जेके के, ठीक है, तो यहाँ पे लगी थी मेरे भाई 39 पे लगी है सीआईएसएफ की, जम्मू कश्मीर में सीआईएसएफ की 39 पर, क्योंकि मेरे साथ दो तीन बच्चे थे जो मेरे बैरक में हैं, तो वो बताते हैं कि 39 पर लगी है, ठीक है, सीआईएसएफ की जनरल एरिया की। तो ये मेरिट है मेरे भाई, टोटल अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हम लोग कंपेयर करेंगे सबसे निचली मेरिट को बच्चे, जो सबसे नीचे की मेरिट है उसको कंपेयर करेंगे, तो ये सबसे निचली ही मेरिट है, क्योंकि बीए सबसे नीचे शायद ही कोई मेरिट लगाता हो। आप लोग देख लीजिए पंजाब का कितना है, 50.85 है, यूपी का 75.3 है, वेस्ट बंगाल का 51.8 है, यूके उत्तराखंड का 72.8 है, त्रिपुरा की अगर बात की जाए ठीक है मेरे भाई तो कितना, 38.2, तेलंगाना की बात की जाए तो 38.3, और तमिलनाडु की बात की जाए तो 36.4। बच्चे देखो कहाँ कहाँ तक मेरिट लगी है ये भी देख लेना, कहाँ कहाँ तक मेरिट लगी है ये भी देख लेना मेरे भाई। बात अगर सिक्किम की जाए तो 40.2, और राजस्थान की बात की जाए तो 77.86, और जो भी राज्य है मेरे भाई उन सब की मेरिट जो है यही हाल था मेरे भाई, किसी की ज्यादा किसी की कम, अगर मोस्टली अगर देखा जाए तो दो तीन राज्य ऐसे हैं हमारे जिनकी मेरिट ऊपर थी, एक यूपी था, एक यूके था, उत्तराखंड, और एक क्या था मेरे भाई, राजस्थान। ये तीन चार राज्य हमारे ऐसे थे जिनकी मेरिट जो है 70+ थी बच्चे, क्या थी, 70+ थी। इसका मतलब क्या, मान लीजिए अगर 70+ भी मान लीजिए आप तो 70% हो गई, ठीक है, कब थी ये, जब 90 मिनट थे भाई। अगर बात इस बार की जाए ना, तो जो अनुमानित मेरिट है उसकी बात अगर की जाए, आप लोग ध्यान भी रख लेना, तो उस समय 75%, जब 90 मिनट, अब मिनट कितने मेरे भाई, 60, पहले 1.5 घंटा, अब 1 घंटा, क्वेश्चन 80, ठीक है, 80 पे भी ऐसा चल रहा कि बच्चे जो पहुंच नहीं पा रहे, औसतन स्कोर वही 50-55 के बीच में लटक जा रहा बच्चे का, ठीक है। तो देखो जो बच्चे पेपर दिया है उनके लिए भी, और जो आगे देने जाएंगे उनको भी सेफ अटेम्प्ट बताऊंगा, ठीक है बच्चे। तो यहां से देख लीजिए क्या है, अगर मैं यूपी की ही बात कर लूं मेरे भाई, मैं किसकी, यूपी की ही बात कर लूं इधर की साइड लेकर के आके, जैसे यूपी है हमारे पास, तो हम लोग अगर यूपी की ही बात करें 2023 में, तो यहाँ 75% था मेरे भाई। अगर मैं अब की बार आपसे ये कह दूं, क्योंकि फार्म क्या है मेरे भाई, ज्यादा है और पद, सॉरी पद ज्यादा है, फॉर्म कम है, ठीक है, तो 75% अब की बार मेरे भाई, अगर इसका हम 70% भी निकाल लें तो 8 7 56, 8 7 56 बच्चे मेरिट जो यहाँ पहुंचेगी, मैं क्वेश्चंस की बात बता रहा हूँ आपसे, जो क्वेश्चंस की मेरिट, क्योंकि क्वेश्चंस पर पहुंचेगी भाई, मैं यहाँ आपको क्वेश्चन की संख्या बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब की बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मैं क्वेश्चंस की संख्या बताऊंगा, यूपी के क्वेश्चंस की संख्या बच्चे क्या है, आप देखो क्या है मेरे भाई, आप ये शिकायत मत करना कि भैया मैं मध्य प्रदेश से हूँ, आप मध्य प्रदेश की बता दो मेरे भाई, जो आपकी रही हो वहां मेरिट, ठीक है, जो वहां रही हो कम से कम 5% कम कर लियो उससे, ठीक है। मान लीजिए आपके वहां 40 पर रही थी पिछली बार, 40 पर, ठीक है, तो अब की बार कहाँ रहेगी, अब 35 पर मान लो उसको, ठीक है, अब 35 पर मान लो, पिछली बार मान लीजिए कहीं की अगर बात की जाए 45 पर थी, 5 कम कर लो आपका 40 पर आ जाएगी, तो 8 6 32, लगभग 32 33, सवाल आपके सही होने चाहिए बच्चे, सवाल ना कि नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं सवाल की बात कर रहा हूँ। तो मैं यूपी के लिए मेरे भाई जो नंबर बताऊंगा 8 7 56, तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन होंगे हाईएस्ट, तो मेरे भाई पहुंच सकते हैं, ध्यान रखना, ये आपके हाईएस्ट 58 क्वेश्चन से लेकर के अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई 58 से 52 के बीच मेरिट रहेगी आपकी भाई। ओबीसी की बता रहा हूँ, इस बात की भी ध्यान रखना, क्या है ओबीसी की, इतनी रहने के अनुमान है मेरे भाई, रह सकती है क्या, 52 से 58 क्वेश्चन किसके मेरे भाई, यूपी के, 52 से 58 क्वेश्चन किसके, यूपी के, ओबीसी की बता रहा हूँ, बीएसएफ की सबसे लोअर मतलब सबसे नीची मेरिट बता रहा हूँ। बात अगर बात की जाए यहाँ से किसकी, जो हमारा यूके है, तो मेरे भाई यूके की अगर हम बात करें तो यूके में देखो कितना था, 72 था, 72 था भाई, तो लगभग 65% मान लो, तो मेरे भाई इसको आप मानोगे कि 55 से 55 क्वेश्चन से आपके ये लगभग कितने रहेंगे, तो 50 क्वेश्चन तक, कितने मेरे भाई 50 क्वेश्चन तक रहेंगे यूके वालों के। बात अगर बात की जाए यूके के बाद क्या है, वेस्ट बंगाल की बात कर दी जाए, वेस्ट बंगाल की, तो बच्चे यहाँ से कितना था, 50 था, ठीक है 50 था, तो मेरे भाई वो ही मान लीजिए आप यहाँ से इसको अगर मैं 50 भी रखूँ पूरा, तब भी 40 बैठ रहा, तो बच्चे इस समय आप बताओगे यहाँ से कितने, 40 क्वेश्चन से आपके जो है सेफ स्कोर है वो 35 क्वेश्चन तक है, कितने 35 क्वेश्चन तक है, 40 से 35, ठीक है। बात अगर की जाए मेरे भाई किसकी, अब देखो आप सभी को राजस्थान और ले लो मेरे भाई, क्या है आरजे ले लिया हमने राजस्थान, तो इसकी अगर बात कर लें बच्चे तो ये 77 पर थी, कितने पर थी, 77 पर, 78 मान लीजिए इसका, तो आप इसको कितना मानोगे,
भाई वही कर दीजिए 72-73, तो आप इसको कहोगे मेरे भाई क्या है कि 60 से 55 क्वेश्चन के बीच, बच्चे क्या 60 से 55 क्वेश्चन के बीच जो है आपकी मेरिट लगने वाली है। ठीक है, तो ये है मतलब जो भी जिस भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं कि आप हर राज्य, क्योंकि हर राज्य के बारे में कितना बता पाएंगे भाई, ऐसे ही ध्यान रखना आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस भी, कम से कम 5% जो है मेरिट आपकी नीचे आने वाली है, कम से कम 5% भाई, क्योंकि फार्म जो है बहुत ज्यादा है आपकी बार पिछली बार से, और मेरे भाई जो फार्म भरे हुए हैं वो कितने हैं, कम है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना, क्या करना बच्चे ये आप लोग चाहे देख लेना, मेरिट जो है आपकी यहीं पे रहेगी। ये मैंने बताई है आपको यूपी की, ये यूपी की बताई है बच्चे, ये किसकी बताई है, वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, ये किसकी है, तो आप बताओगे ये आपके यूके की, उत्तराखंड की, और ये आपके राजस्थान की है मेरे भाई। मतलब सभी का अगर आप लोग देखोगे नॉर्मली, तो आप लोग कम करते चले जाना मेरे भाई। पंजाब की अगर बात की जाए तो आपके 40 से 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चे, क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, मैं क्वेश्चंस में बता रहा हूँ मेरे भाई। तो क्वेश्चंस में ही देखना है आप लोगों को, जम्मू कश्मीर के भी अगर भाई क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहले क्या थे, 40 मान लीजिए 40, अब की बार क्या करोगे भाई, 40% भी अगर इसका लगाया तो 8 चौक 32। तो मेरे भाई देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस, अगर जम्मू कश्मीर के क्वेश्चंस की बात की जाए तो मेरे भाई आप कहोगे कि 8 चौक 32, तो मेरे भाई यहाँ से रहेगा आपका 30 से 28 क्वेश्चंस के बीच आपकी मेरिट रहेगी, कहाँ की, जम्मू कश्मीर की मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये मेरिट आपकी रहने वाली है, आप लोग देख लेना जब आपका मतलब टोटल पेपर हो जाएगा, क्योंकि अभी ऐसा भी है बहुत बच्चे कंडीशंस की वजह से पेपर छोड़ भी रहे हैं, बहुत सारी कंडीशन है, क्योंकि मेरे भाई नया बच्चा कोई भी 60 क्वेश्चंस पर नहीं पहुंच पाता। अब देख लीजिए जो बच्चे आगे के लिए जा रहे हैं, मैं उनको क्या बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, जो अब पेपर में देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, मैं यूपी का ही बता रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग भी समझ लेना, क्योंकि 2-3 4% का ही ऊपर नीचे होगा मेरे भाई, परसेंट का, ठीक है, 2-3 या 4-5% का ही ऊपर नीचे होगा, मतलब 1 से लेकर 5% के बीच ही सुई घूमेगी, तो उसको आप लोग मेंटेन कर लेना अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हाँ भैया आपने ये वाला राज्य छोड़ दिया तो आप मुझसे नाराज होने फिर, ठीक है, नाराज होने कोई बात नहीं है मेरे भाई। जो अब जा रहे हैं बच्चे, मान लीजिए मैं यूपी से हूँ तो यूपी का ही बता रहा हूँ ज्यादातर, क्योंकि मेरे को ज्यादा यूपी का ही पता है। बच्चे आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास 80 क्वेश्चन 60 मिनट, अब आप सोचोगे भाई हम क्या करें। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपको बिल्कुल श्योरली जो आपका 100% आ रहा वो क्वेश्चन आप लोगों को करना, बिल्कुल 100% जो आपका श्योर, बिल्कुल एक नंबर कटना नहीं चाहिए मेरे भाई, 100%, तो मतलब वो बिल्कुल कि अगर गलत कर दिया आयोग ने तो आप उस पर रिट डाल दोगे मेरे भाई। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके भाई, ऐसे क्वेश्चन जो आपके 100% है श्योरली मेरे भाई, 50 से 52 भी हो रहे हैं ना बच्चे, तो छोड़ देना यहीं पे, तुक्का मत लगाना, यही सिलेक्शन दिला देंगे भाई फाइनल, क्योंकि यहां से आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन बहुत मिलेगा मेरे भाई। आपका वकोल शर्त यह है कि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन, ठीक है, अगर 50 से 52 क्वेश्चन आप बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं मेरे भाई, ये जो है 100% आप लोग सही कर रहे हैं, तो इतने पे ही रुक जाना मेरे भाई, ज्यादा की कोली मत भरना, ये ही आपका फाइनल सिलेक्शन दिला देंगे। ठीक है, ये ही, और मान लीजिए अब आप कह दो कि भैया, मान लीजिए जैसे एक बच्चा गया करने, वो बोल रहा भाई मेरे 45 तो बिल्कुल सी हो रहे हैं 100% वाले, अब क्या करूं, ठीक है, अब क्या करूं, तो मेरे भाई अगर ऐसी कंडीशन में हो आप 45 पे, तो फिर आप जो तुक्का मारो तो ऐसा मारो, पहले दो ऑप्शन अलग कर लो, 50% पे तुक्का मारो, दो ऑप्शन अलग कर लोगे मेरे भाई तो दो में तुक्का मारना पड़ेगा, तो 50-50 चांस है आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो वहां रिस्क लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, वहां रिस्क ले लो, जब आप 50-50 के तुक्के पाएगा तो वहां रिस्क ले लो मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि वहां जो है आपको चांस है मेरे भाई कि आपका सही हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहां से आप लोग तुक्का मारेंगे, ठीक है, तुक्का मारेंगे 50 वाला मान लीजिए भाई, ठीक है, तब आप लोगों को थोड़े ज्यादा क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन माइनस मार्किंग भी है, कट जाएगा। तो मेरे भाई मैं तो यही कहूंगा आपसे कि आप जो है पहले अपना सेफ स्कोर देखो बच्चे, ठीक है, वैसे आप लोग मैंने देखा है बच्चे अधिकांश क्या है 60-62 पे भी पहुंच रहे हैं, 60-62 क्वेश्चन पर, मगर सभी बच्चे 60-62 वाले नहीं है मेरे भाई। ठीक है, सभी बच्चे नहीं है 60-62 वाले, जो एवरेज बच्चा है, अगर एवरेज बच्चे की बात की जाए मेरे भाई, तो वो ही 45 से 50 के बीच सही बता रहा भाई। ठीक है, 45 से 50 के बीच ही सही बता रहा, तो इस वजह से मैंने जो आपको ये बताया है ना, आपको क्या बताया है कि आपकी जो मेरिट रहने वाली है मेरे भाई कितने से, 58 क्वेश्चन से,
और 52 के बीच रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखना यूपी वालों को, ठीक है। और अदर स्टेट वाले भी दो चार परसेंट नीचे कर लेना, 2-4% नीचे मेरे भाई, ठीक है। तो ये मेरिट आप लोगों को देखने मिलने वाली है, और ये जो है आपका क्या है, जो बच्चे अभी पेपर देने जाएंगे उनके लिए मेरे भाई, अगर 50-52 क्वेश्चन आपके 100% बन रहे तो आप आगे कुछ हो ही मत, यही आपका फाइनल सिलेक्शन दिला देंगे, ठीक है, यही फाइनल सिलेक्शन दिला देंगे। क्योंकि ये जो है भाई लगभग 56 से प्लस मिलेंगे आपको, 56 से प्लस क्वेश्चन मिलेंगे अगर आपका कोई भी गलत नहीं है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, ठीक है। और 56 का मतलब है कि 70% होना, 8-7=56, 70%, और भाई 70% पर नंबर है आपकी बार, क्योंकि पिछली बार 75% पर था, कब, जब वैकेंसी क्या थी 25,271, फॉर्म थे भाई लगभग 72 लाख, अब क्या वैकेंसी है 45,284 और फॉर्म है लगभग 55 लाख, ठीक है, लगभग 55 लाख। तो देख लीजिए क्या है बच्चे, यहाँ पे प्लस पॉइंट होने वाला है जो भी बच्चे जा रहे हैं भाई, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी सियोरिटी के साथ जाएं बच्चे, ज्यादा गलत ना करें, क्योंकि 10 जनवरी से पेपर स्टार्ट हुआ है, अब बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, बहुत टाइम, लगभग लगभग भाई 25-26 दिन, ऐसा मान लीजिए 20-22 दिन हो चुके हैं आपको, 26 तारीख है 10 से, तो 16-17 दिन हो चुके हैं बच्चे आपको, तो इन 16-17 दिन में मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन जो पहले दिन वाले को मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा बच्चे, वो आपको नहीं मिलेगा जो पहले दिन वाले को मिलेगा, ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन घटता चला जाएगा, तो इस चीज़ से आप लोगों को बचना है मेरे भाई, जितना मतलब हो सके आप श्योर क्वेश्चन लगाएंगे, श्योर बिल्कुल 100% वाले के ये कट नहीं ना है, ठीक है। और मेरे भाई देखो, आप किसी भी पेपर को कर रहे हैं किसी भी तरीके से कीजिए मेरे भाई, किसी भी तरीके से कर दीजिए जो आपको वेस्ट लगे, आपका वेस्ट होना चाहिए भाई, ठीक है, आपका वेस्ट होना चाहिए। और क्या है भाई, किसी भी सवाल पर ज़्यादा टाइम आप लोग नहीं दो, जो एक बार में होता ठीक, वरना स्किप करो आगे चले जाओ, पहले आप पूरे 80 के 80 क्वेश्चन देख तो लो मेरे भाई, क्या है पता चला हम 60वें क्वेश्चन पे हैं, टाइम हमारा खत्म हो गया 60 क्वेश्चन पे ही, आगे देखा हमने घर जाकर पता चला हमें जब रिजल्ट आया हमारा कि 60 से आगे जो क्वेश्चन थे इतने हल्के थे कि हम उन्हें कर लेते, तो बेफजूल के यहाँ अटके पड़े भाई, स्किप करो आगे चले जाओ देख लो उसको। तो बच्चे ये मैं आपको यही बताने के लिए आया था मेरे भाई कि मेरिट जो है आपकी इस बार जो है यूपी के लिए जो लगेगी मेरे भाई, तो लगभग बता रहा हूँ भाई कितने, 58 से 52 क्वेश्चन बच्चे, मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना कि नंबर में, इस बात को मैं फिर कह रहा हूँ। और भाई अदर स्टेट वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनसे रिक्वेस्ट है बच्चे कि आप नाराज ना हो, ठीक है, आपकी मेरिट भी क्या है मेरे भाई, आप जो है लगभग 4-5% कम कर लीजिए जो पिछली बार लगी थी बच्चे, जो पिछली बार लगी थी उससे 4-5% कम कर लीजिए, बस वहां पर ही आपकी मेरिट लगने वाली है। और सारे स्टूडेंटों की मेरिट की जो PDF है ना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे भाई, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और किसी भी भाई को अगर कोई भी क्वेरी है कुछ भी, तो भाई वो इस नंबर पर मुझसे कॉल पर बात कर सकता है, 99-27-86-82-30 पर, ठीक है भाई। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।